भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार 7 अगस्त को मनाया जाएगा। इस बार रक्षाबंधन के त्यौहार को मनाने के लिए सिर्फ 2.5 घंटे का समय मिलेगा। दरअसल इस पावन दिन पर चंद्र ग्रहण पड़ रहा है और भद्रा नक्षत्र का युग बन रहा है। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार 7 अगस्त को मनाया जाएगा। इस बार रक्षाबंधन के त्यौहार को मनाने के लिए सिर्फ 2.5 घंटे का समय मिलेगा। दरअसल इस पावन दिन पर चंद्र ग्रहण पड़ रहा है और भद्रा नक्षत्र का युग बन रहा है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करना अच्छा नहीं माना जाता है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। इससे पहले 2005 में रक्षाबंधन के दिन ग्रहण पड़ा था। ज्योतिषियों का कहना है कि यह बेहद अशुभ संयोग है। ज्योतिष गणित के अनुसार 11:05 से लेकर 1:49 तक का समय रक्षाबंधन पर्व के लिए अति उत्तम है। इस बार रक्षाबंधन जो है मंडी शहर में हर वर्ष की भांति बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और यह त्यौहार इस बार 7 अगस्त 2017 को आ रहा है। उस दिन पूर्णमासी है और इसमें जो शास्त्रोक्त जो दृष्टि है ज्योतिष गणना के अनुसार, इसमें भद्रा का विचार करना बहुत जरूरी है और भद्रा जब होती है तो उस दौरान रक्षाबंधन नहीं किया जाता। और भद्रा इस बार जो है 11:05 तक रहेगी और 11:05 से लेके 1:49 तक का जो समय है वो रक्षाबंधन के लिए अति उत्तम माना गया है, क्योंकि उस दिन जो है चंद्र ग्रहण भी है उसी दिन है। तो 1:49 के बाद चंद्र ग्रहण लग जाएगा तो उस दौरान रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता, उस दौरान रक्षाबंधन को मनाना निषेध माना गया है शास्त्र की दृष्टि से। और ये जो है बड़े बहुत पहले से हमारा जो देव संस्कृति है और इसमें जो है भगवान कृष्ण जी भी अपनी बहन को जो है राखी बांधते थे। और आपको पता होना है कि टाइम में जब भगवान कृष्ण जी ने राखी बांधी और उसी राखी की लाज के रखने के लिए उनकी बहन द्रौपदी ने उनको याद किया था। तो जब जब भी कोई बहन पे कोई आपदा आती है, कोई उस पे मुसीबत आती है, तो उसका भाई जो है उसकी रक्षा करने की एक ऐसा कंगन का बंधन है जिसके लिए भाई जो है अपनी बहन की रक्षा के लिए हर तरह तत्पर रहता था। और यही इसका पौराणिक मत भी है और आज की डेट में इस त्यौहार को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने की परंपरा है और ये शास्त्रोक्त है। एक और जहां बाजारों में कई तरह की राखियों की दुकानें सजना शुरू हो गई हैं, वहीं बच्चों में भी रक्षाबंधन के पर्व को लेकर खासी उत्सुकता नजर आ रही है। बच्चों का कहना है कि रक्षाबंधन का पर्व उन्हें अच्छा लगता है और वे इसे बड़ी खुशी के साथ मनाते हैं। रक्षाबंधन पे भाई बहन के प्यार का एक प्रतीक होता है। इसमें बहन अपने भाई को राखी पहनाती है और इस वर्ष भी 7 तारीख को रक्षाबंधन आ रहा है। इस वर्ष भी हम उसे हर्षोल्लास से मनाएंगे। भाई बहन के प्यार का प्रतीक पारंपरिक त्यौहार रक्षाबंधन का पर्व देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है और इस पर्व को लेकर चारों तरफ उल्लास का वातावरण बना रहता है व घर परिवार में खुशी का माहौल होता है। मैं एक बात को बड़े गहराई से कहना चाहता हूँ, ये जो चाइना की जो राखी आ रही है अगर मार्केट में, वैसे तो मैंने देखी नहीं अभी, ये जो है पूर्णतया बंद होनी चाहिए नंबर एक, और इस पे जो है मतलब बैन लगना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए हमारा जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं कि ये जो है ये राखी यहाँ या जो भी चाइना की आइटम है वो ना आए। इससे जो हमारे देश में मतलब जो हमारा पैसा है वो जा रहा है उनको और वो जो हमारे से मतलब उस टाइम बहुत बड़ी शत्रुता रख रहा है, तो ऐसे में इनको चाहिए कि इस राखी को हर तरह से मतलब मार्केट में ना आए। और अब राखी के बाद अब दूसरी हमारे त्यौहार बड़ा दिवाली भी है, तो दिवाली में उसकी लाइटें, उसके पटाखे, उसकी मोमबत्ती, जितने भी चाइनीज़ प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स को लेके है, चाहे दूसरे आम खेल के उसके खिलौने हैं, तो ये सारा जितना सामान है पीछे से ही मतलब बॉर्डर एरिया पे ही सील हो जाना चाहिए और वो ना आना चाहिए। इससे जो हमारा जो पैसा, हमारा देश का पैसा हमारे देश में लगे और हमारे देश के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको भी चाहिए कि वो अच्छा क्वालिटी का माल तैयार करें ताकि लोग चाइना की तरफ देखना ही बंद कर दें। वहीं संजीव शास्त्री का कहना है कि देश हित के लिए हमें चाइना से बनी वस्तुओं को नहीं खरीदना चाहिए और इनका बहिष्कार करना चाहिए और देश में बनी वस्तुओं व उत्पादों का ही इस्तेमाल करें। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी।